स्टार्टिंग में हम सभी लोग कुछ स्टैचूज दिखाए जाते हैं जिनका शेप बिल्कुल सिंचन और सिंचन के फ्रेंड्स के जैसा होता है, और उसके थोड़े दूर एक कुटिया दिखाई जाती है जहाँ पे हिरोशी और मित्सी बैठे हुए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बीमार होती है, जिसकी देखभाल हिरोशी कर रहा होता है। और फिर एकदम से मित्सी उठ जाती है और वहाँ पे वो उधर मचाना शुरू कर देती है, और वापस से वीक पड़ जाती है। और फिर हिरोशी पैसे कमाने के लिए अपने कुछ लड़कियों के कपड़े पहन के बाहर लोगों को दिखा रहा होता है, और उसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। और फिर वापस जाते हुए उस रात तो फिर स्नो गिर रही होती है और उसे वही स्टैचूज दिखते हैं जिनकी शक्ल सिंचन और उसके फ्रेंड्स के जैसी होती है, और वो उन्हें वही लड़कियों के कपड़ों को पहना देता है। और फिर मून के ऊपर से क्लाउड्स हटते हैं और उस मून की रोशनी से वो सारे के सारे स्टोन्स जिंदा हो जाते हैं। और कजामा वाला स्टोन कहता है कि हम सभी लोग इंसानों को मजा दिखाएंगे, देखो उन्होंने हमें क्या पहना दिया। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं उसी कुटिया की तरफ जिसमें हिरोशी और मित्सी होते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें तो दिखता है कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और उस जो उन्हें परेशान कर रहा होता है उस आदमी के ऊपर कोई कीड़ा सा निकल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हिरोशी रोने लग जाता है तो सिंचन स्टोन कहता है क्या मैं उन्हें वो रुमाल दे के आऊँ। और फिर उसके बाद कजामा कहता है अगर उन लोगों ने हमें देखा तो फिर हमारी जो मतलब कर्ज है वो पूरा हो जाएगा और हम कभी भी मून की ताकत से भी जिंदा नहीं हो पाएंगे। और फिर गाइस अगला दिन हो जाता है जहाँ से शीरो जा रहा होता है, और फिर गाइस एकदम से अगली रात भी हो जाती है जिसकी एक छत पे वो सारे के सारे स्टोन चल रहे होते हैं, और उस छत में से वो सारे के सारे स्टोन नीचे गिरते हैं जैसे वो पत्थर ही, और उन स्टोन्स पे वो बुरे लोग हल्ला करते हैं जिन्होंने मिर्ची को बंद कर रखा होता है। और फिर वो स्टोन जो होता है वो उस बुरे आदमी के ऊपर हमला करता है, बट एकदम से वापस से दिन हो जाता है और वो आदमी उन लोगों को नदी में फेंक देता है, और उन वो लोग सारे के सारे पानी के अंदर गहराइयों में डूब जाते हैं, और उनके कपड़े जो वहाँ पे बाहर फ्लोट कर रहे होते हैं वो एक रानी पहन लेती है और वो भी स्टोन में बदल जाती है। और दूसरी तरफ मित्सी और हिरोशी दोनों के दोनों कपड़े सिल रहे होते हैं, और फिर वो पत्थर वापस से बाहर आते हैं और उस आदमी को वापस से मजा चिखाते हैं, और उसे पकड़ के मित्सी और हिरोशी के पास लेके जाते हैं और वो उनसे सॉरी कहता है, और वो सारे के सारे जो स्टोन्स होते हैं उनको वो वापस से वही कपड़े पहनाता है, और बाकी सारे स्टोन सिंचन को छोड़ के हंस रहे होते हैं, मतलब वो अब दिन की रोशनी में भी जिंदा होते हैं।